वो कैसा हो रहा? सही एकदम बढ़िया। तो ये वो देता ही सच देता झूठ करी और कितने वहां। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों हो गया है नए दिन पर नया ब्लॉग भी शुरू। माय के सुबह सुबह ये पता नहीं क्या चीज़ है, इनकी आवाज़ के साथ में ब्लॉग शुरू हो रहा है। कल देखा ना आपने शाम शाम के टाइम में, भाई खतरनाक हो गया था बारिश का मौसम। बारिश ज़्यादा आई नहीं, बट आज फिर से धूप आ गई है, थोड़ा सा सही हो गया, फिर से मौसम धूप आ गई है, बारिश कुछ भी नहीं हुई यार। और कल आपने देखा हम मतलब पानी भर लेते हैं अपने टैंक पे, एक ही इसी वाले टैंक पे भरा, वो भी कम का भी थोड़ा थोड़ा भरा यार, क्योंकि पीछे वाला टैंक तो पूरा खाली हो रखा है। और इस जगह पे दिखिए गाइस, आजकल हमारे यहाँ पे ना पुदीना भी जमा हुआ है भाई, यहाँ पे पुदीना भी हो रखा है। तो आप गर्मी के दिन आ गए हैं तो बढ़िया करके इसकी चटनी वगैरह बनाएंगे, मस्त करके चटनी खाएंगे पुदीने की। ये देखिए ये होता है पुदीना गाइस, ये ऐसा होता है ना गाइस, ये पुदीना का पौधा, इसको आप एक जगह पर लगाओगे तो इसकी जड़ें फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा, इधर उधर तक फैल जाती। देखिए ये यहाँ पर वहाँ पर लगा रखी थी, वहाँ से ऐसे फैलते फैलते यहाँ तक आया है, यहाँ से ये देखिए इस साइड भी आ गया भैया दीवार के अंदर। भाई तू क्या कर रही है? ये क्या धोने में लगी हुई है? ये बालों में बांधने वाला कपड़े धोने के लिए बनेंगे, नींद होगी क्या? धो रखा है ये देखो तो क्या चीज़, ये क्या है, ये फुंतरा जैसा है? अभी हंस दी वहाँ पे, क्या है ये फुंतरा जैसा? ये धोता क्या टांग दिया इस दे, पता नहीं ये रबड़ ऐसा ही है, होता है पूरा लूज लाज बता रखा है बिल्कुल फंसरा ऐसा। और मुंह अभी धो दिए, ये देखो तो इस टाइम में मुंह धो दिए, ये इतने लेट में मुंह धोते हैं क्या? अभी उठ रही है ये, अभी उठ रही है तो मुंह इतने लेट में, 6 बजे उठ गई थी मैं। देखिएगा आड़ू पुलम के लिए चाचा ला गए हैं नीचे से डिब्बे, सुबह सुबह चाचा अभी ये आड़ू पुलम के लिए डिब्बे लेने के लिए गए हुए थे नीचे। चौरिया में आते ना हमारे वहाँ से सामान पूरा, तो वहाँ लेने के लिए गए थे। इनमें पैक करते हैं आड़ू और पुलम वगैरह। अभी आप आलू पुलम वगैरह हो गए हैं ना लगभग, आलू तो भाई मतलब लगभग हो ही गए हैं, पुलम भी हो जाएंगे, उसके बाद पैकिंग होगी, तब आपको पैकिंग दिखाएंगे किस प्रकार से पैकिंग होती है करके। इनमें कितने डिब्बे हैं, अरे यहाँ तो बहुत ही इकट्ठे कर रखे हैं, ये चेक कीजिए गाइज, इतने सारे डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं भाई ये कोने पर। पहले पहले तो मतलब ये ना पुलम आलू इनको मतलब मार्केट भेजने के लिए यार एक वो लकड़ी का मतलब चलता था ना, लकड़ी की पेटी वगैरह जैसी चलती थी, बट वो धीरे धीरे लकड़ी की पेटियाँ ख़त्म हो गई है। अब इस प्रकार से जो कागज के गत्ते जैसे मिलते हैं ना डिब्बे, तो इन डिब्बों में भर करके ले जाते हैं। बूबू काफ़ी समय बाद आज ब्लॉग में दिख रहे हैं, बूबू अभी बाहर पे आ रखे हैं चाय पी रहे हैं बढ़िया करके। बूबू कैसा हो रहा है? सही एकदम। पिछले भाई 2-3-4 दिन की पिछली वीडियो में ना एक भाई की मतलब कमेंट आ रखा था भाई बूबू घर पर कब रहते करके, तो बूबू घर ही पर रहते हैं यार हमेशा, बूबू चल नहीं पाते ना इधर उधर, तो इस वजह से बूबू घर ही पे रहते हैं, अब वो चल नहीं पाते हैं, अंदर रहते हैं ना, अंदर रहते हैं, किसी किसी वक्त तो बाहर से आ जाते हैं। नहीं सही क्या था, फिर आदमी घर में रहने नहीं फिर जब हिट जाने सही क्या, जैसे तब आम नहीं सका दिया आमले घर में रहे तो सो होनी फिर जैसा हिट सकती जैसा झूठ करी और क्या कहने वहाँ और बॉर्डर एक झूठ करी उस तक तो हिट नहीं रहे, अब आल नहीं रहे हिट सकना, अब आज टांग टूट गया, अब आ फिर घर में बाबू, अब प्रिजनर हो गए घर में बैठे हैं बूबू, टांग टूट गई बूबू की, अब क्या करते हैं कहाँ जाते हैं बूबू। लेकिन फिर भी भाई बूबू को सैलरी मिलती है भाई, फिर भी बूबू को सैलरी मिलती है। अब हमको देखो यार आजकल के देखो भाई लड़कियों को भाई बेरोजगारी इतनी है यार, हम लोग हैं जैसे कि भाई बेरोजगार बैठे बड़े, बट भाई बूबू को ना अभी भी भाई सैलरी मिलती है। बूबू आर्मी में थे ना मेरे, आर्मी की जॉब कर रखी है बूबू ने, रिटायर के बाद भी भाई घर में बैठ के सैलरी मिलती है उनको, बूबू सरकारी जॉब वाले थे ना आर्मी में। तो दोस्तों आजकल ना हमारी यहाँ पे कुट्टी मशीन वगैरह भी निकाल रखी है यार, तो ये चेक कीजिए, ये देखिए आजकल थोड़ा सा भूसा वगैरह चीला वगैरह मंगा रखा ना गाय बच्चों के लिए, तो उसमें यार वो मतलब पूरा चीला तो खाते नहीं है भाई, तो इस वजह से उसमें हरी घास भी मिला करके मतलब डालनी पड़ती है। ये देखिए इसको लाए हुए बहुत टाइम हो गया यार, ये अभी 2-4 दिन पहले ही मतलब निकाल रखी है यहाँ पर, इसमें काट रहे हैं आजकल घास वगैरह, तब जाके जब ये बारीक होती है घास तो उसके बाद फिर इसको चीले में मिलाते ना, फिर तब जा करके देते गाय बच्ची को खाने के लिए। बाकी यार इसको देख करके अभी मेरे को याद आ गया भाई, ये जब मतलब फर्स्ट लाए थे ना इसको बहुत टाइम हो गया यार, 2-4 साल हो गए, तब भाई मैं एक दिन मतलब मैं घास काट रहा था, मेरा हाथ कट गया था यार। तो ये देखिए गाइस आपको बीच में यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद रेखा जैसी दिखाई दे रही होगी, तो ये यहाँ पे मतलब कट गया था यार काफ़ी पहले भाई, तो तब मैं एक दिन मतलब यहाँ पे कुट्टी वगैरह बना रहा था, कुट्टी वगैरह काट रहा था घास वगैरह इसमें,
काटते काटते भी एकदम से मतलब ब्लेड में हाथ आया मेरा, सब कट गया था उस दिन, मतलब नस कटने से बच गई थी भाई। वो भी मतलब भाई खतरनाक ही दिन था यार भाई, मतलब भजिया नस कटने से, मतलब थोड़ा थोड़ा कटा बाहर बाहर से। तो अम्मा यहाँ पे रसाद हो रही है, गाय जा क्या ले जा रही है इसमें चावल हाँ। भात बना रही है आज, अंदर ही बना रही क्या गैस में? अच्छा ये अम्मा भी अपनी ड्यूटी करके आ गई भाई, सरपंच वाली ड्यूटी जंगल मतलब घूम करके देख करके आ गई है। अभी थोड़ा लेट हो गई तो आज मतलब अम्मा ने चूल्हे पे मतलब खाना नहीं बना रही, चूल्हा नहीं जला रखा है, तो अंदर ही वो गैस पे ही बना रही है, फटाफट बन जाएगा ना। बाकी दोस्तों मॉर्निंग में मैंने यार यहाँ पे टैंक पे अपने जूते भिगोने के लिए रखे हुए थे, अपने दो जोड़ी जूते यहाँ पे डाले हुए थे, उनको दो धोने थे ना, यहाँ पे देखता हूँ यार कहीं गायब तो नहीं हो गया भाई। अरे है यार, है वहाँ हूँ। अरे यार उल्टे हुए पड़े हैं, छोड़ो नहीं दिखाता हूँ, उल्टे भिगोने के लिए डाले हुए तो उल्टे हुए पड़े हैं। बाकी मैंने फिर क्योंकि इसके बाद कुछ टाइम बाद यार यात्रा पे भी निकलना है ना, तो कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ वो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा, अगले दो तीन दिन बाद आपको पता चल जाएगा भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ करके, कहाँ की यात्रा पे जा रहा हूँ करके। इसी वजह से मैंने भिगोने के लिए डाल दिए थे, तो उनको साफ वाफ कर लेंगे ना बढ़िया करके। इस बार की जो यात्रा रहने वाली है ना दोस्तों, वो काफ़ी लंबी भी रहने वाली है और काफ़ी सुंदर यार भाई, जिस चीज़ का मतलब इंतज़ार था ना इतने समय से, तो आखिरकार वो होने वाला है। तो इस वजह से ये यात्रा कर रहे हैं हम। हमारा चुंगू मुंगू यहाँ पे खा रहा है काफल, और ये खा रही है यहाँ पे बासी काफल, ये चुप रहे, ये शायद ये कल के काफल जो पन्नी के अंदर, ये देख दो कैसे हो रखे हैं। तो बाकी जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है आजकल भाई हमारे पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा काफल पक रहे हैं भाई, एकदम लाजवाब भाई यार, रोज़ खाए बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये शायद कल में तोड़े हुए थे, सुमन उनको खा रही है, बट मैं जा रहा हूँ अपने ऊपर रास्ते वाले खेत पे भाई काफल खाने के लिए। तो हमारे ना दोस्तों तीन चार जगह पे खेती में काफल है भाई, एक नीचे धार के वहाँ पे है और एक नीचे बीच में है खेत के वहाँ पे, उस वाले पे तो मैं चढ़ भी नहीं पाता हूँ यार, एकदम खड़ा पेड़ है ना वो बहुत ही टफ है यार उसमें चढ़ना, मैं तो उसमें चढ़ भी नहीं पाता हूँ। बाकी धार वाले में मैं जाता भी नहीं हूँ खाने के लिए, और एक काफल यहाँ पे नीचे है वो तो मतलब खाली है भी, उसमें काफल लगते भी नहीं है। बाकी इस वाले में लगते हैं यार जो गैर के वाले रास्ते पे, यहाँ पे इसमें खाएंगे। ये हमारा अखरोट का पेड़ बेचारा झूम तो रहा है, बट इसमें अखरोट दिख रहे हैं कहीं पे? नहीं दिख रहे यार, अभी तो हो ही नहीं रहे अखरोट, कहीं कहीं पे दिख रहा है छोटा छोटा दाना जैसा, बट मुझे क्या भाई, मैं तो भाई काफल खाने के मकसद से आ रखा हूँ, अखरोट तो जब होंगे तब होंगे। कैसे करूँ यार, अगर मेरे पास DSLR होता आपको झूम करके इतना बढ़िया दिखाता ना मैं काफल। ये तो भाई इजी है भाई चढ़ना, यहाँ पर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये आ गया हूँ मैं, बस दो कदम रखे ऊपर आ गया हूँ सीधे काफल के पेड़ में। अभी दिखाता हूँ मैं, देखिए गिरी भी रहूँगा यार कहीं। ये देखिए दोस्तों, वाओ लाल लाल काफल, टेस्टी एकदम भाई, खाता हूँ यार मैं इनको, रिस्क नहीं लेता हूँ भाई ज़्यादा, ऐसे कैसे ब्लॉग बनाऊँगा, पहले खा लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हो गई है शाम, और यार आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और सभी को शेयर भी कर देना। बाकी दोस्तों अपनी जो तीन चार दिन के बाद जो मतलब यात्रा शुरू होने वाली है, वो आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर मतलब पता चल जाएगी कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ की यात्रा करने वाला हूँ, मतलब कहाँ के ब्लॉग अब आएंगे, तो आपको अगले ब्लॉग पे मतलब पता चल जाएगा। और यही चीज़ यार आज तक आपके लिए एक सरप्राइज़ थी। बाकी दोस्तों यार यहीं पे एंड करता हूँ वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले एक नई प्यारी सी वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।